जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग मानव श्वसन तंत्र को पढ़ रहे थे, उसमें मतलब एयर जो हम लोग था एल्वोलाई तक लाके छोड़ दिए थे, मतलब ऑक्सीजन को एल्वोलाई तक ट्रांसफर किए थे। उसके बाद से आगे की क्रियाओं को बोले थे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखिए, जो ऑक्सीजन होता है एल्वोलाई तक तो आ गया। देखिए जो एल्वोलाई, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा इसको, यहाँ पे हम थोड़ा बताते हैं। एल्वोलाई जो इसका जो शेप होता है ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है कुछ। एल्वोलाई के शेप कैसे होता है जी, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, मे बी दिख रहा है। चलिए एल्वोलाई के शेप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और यहाँ पे लगे होते हैं ब्लड वेसल्स, मतलब ऐसे होते हैं हमारे नस, यहाँ पे हमारे लगते होते हैं नस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है जी, छोटा छोटा पतला पतला नस होता है, ठीक है। उस नस का काम क्या है, देखिए हमारे शरीर में जो खून होता है, खून कई पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सब मिलकर बनता है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो नस है, नस से क्या मतलब कैरी करता है खून, खून में क्या होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, तो वहीं से हम लोग होता है डब्ल्यूबीसी यहाँ पे घूम रहा है, क्या घूम रहा है जी, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब ऑक्सीजन आया है एल्वोलाई तक, देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं ना कि ऑक्सीजन को अपने ऊपर ऐसे, देखिए डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकोन के मतलब बीचों में से धौंसा होता है, बीचों में धौंसा होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो क्या करता है डब्ल्यूबीसी में ऑक्सीजन को लोड कर लेता है, अपने दहिया पे बैठा लेता है, अपने दहिया पे पिठिया पे बैठा लेगा, पिठिया पे बैठा लेगा। अभी पिठिया पे बैठा के लेके जाएगा किसके पास, नस लेके जाएगा। अब देखिए ये खुनवा था इस पे जो ऑक्सीजन चढ़ गया, मतलब खून पे ऑक्सीजन बैठ गया। तो देखिए ऑक्सीजन है क्या जी, ऑक्सीजन ठीक है, और प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन है और प्लस क्या है, ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन इस पे चढ़ गया है इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ऑक्सीजन इस पे नहीं चढ़ा होता तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन उस पर नहीं है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ आया कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब चलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो उस पे ऑक्सीजन चढ़ गया है ब्लड वहां पे हीमोग्लोबिन पे, वो हीमोग्लोबिन लेके किसके पास जाएगा, वो जाएगा हार्ट के पास, किसके पास लेके आएगा जी, सब खुलना हार्ट के पास। हार्ट का काम क्या होता है, खून को पंप करने से, है ना, देखिए इसको प्रेशर से दाबे करके निकल गया ना, ऐसे ही खून को पंप करता है, खून को पंप करता है। खून जब पंप होगा तो पूरा प्रेशर से यहां से भर ले पूरा पैर तक ले, पूरा खून रन करता है, ठीक है। अब चलिए हॉट इसको पंप किया खुनुआ को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अब ये खुनुआ आएगा किसके पास। अब चलिए ये जो खुनुआ होगा ना, ये आएगा टिश्यू के पास, ऐसे टिश्यू मान लीजिए हम समझने के लिए बनाए, ये है हमारा टिश्यू। अब यहाँ पे आएगा हमारा ब्लड वेसल्स, फिर खून पे जो हुआ ऑक्सीजन चढ़ के गया टिश्यू, ये हॉट के पास, हॉट इसको पंप किया, फिर आया टिश्यू के पास। अभी देखिए यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ये होगा कि जितना भी ऑक्सीजन है उतर के चल जाएगा टिश्यू के पास, जितना भी ऑक्सीजन है उतर के आ जाएगा टिश्यू के पास उतर के आया। अब टिश्यू क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन को ले लेगा, अभी खाना बनाएगा, अभी क्या करेगा जी, टिश्यू का बनाएगा खाना। और जब खाना बनाएगा तो हम अभी आपसे एक मिनट पहले सॉरी सेकंड पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जब खाना बनाएगा तो वहां से ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, CO2, जिसका फॉर्मूला होता है C6, देखिए आप लिख रहे हैं C6H12O6, ठीक है, प्लस C6H12O6 प्लस सिक्स ओ टू भाई एंजाइम, कुछ एंजाइम भी होता है एंजाइम आई मिल के क्या बनाते हैं जी, सिक्स सी ओ टू प्लस H2O, ठीक है, ये इतने चीज मिलके बनाते हैं। देखिए अभी आपसे हम बताए थे जो टिश्यू होता है वो ऑटोमेटिक क्या बना देता है, CO2 बना देता है ना, वैसे ही देखिए जब टिश्यू के पास ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन लेके खाना बनाने बैठे, खाना बनाए तो अपने मन बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अभी तो जो हीमोग्लोबिन था ये ऑक्सीजन लेके आया था, अभी खाली हो गया पिठिया पर से ऑक्सीजन उतर के चल गए करने लगे, अब ई क्या करिए यहाँ पे खाना बनाया तो बन गया CO2 का। अब CO2 में फिर भेजेगा जो खाली गड़िया जा रहा है उसको जाकर बैठ गया, गड़िया खाली जा रहा है इसको आगे बैठ गया। अभी चलिए अभी खुनुआ होगा ना, ये खुनुआ फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ते 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 जानते हैं किसके पास जाएगा, फिर आएगा एकरो लगे हार्ट के लगे, और हार्ट का करेगा उसको फिर से पंप करेगा, जब फिर से पंप करेगा ना तो फिर खुनुआ दौड़ते दौड़ते जानते हैं किसके लगे आ जाएगा, फिर एल्वोलाई के लगेगा, फिर एल्वोलाई से यहाँ पे निकल के
एल्वोलाई सीओ टू निकल के चल जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में आएगा सीओ टू, और फेफड़ा क्या करेगा फिर इसको ऐसे मुंह से बाहर निकाल देगा। समझ आया कैसे हुआ? ऑक्सीजन गया हमारे शरीर में, उसका पूरा मतलब टिश्यू के पास गया, खाना बना, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, देखिए अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाए हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर समझ में आया तो हम चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये तो वह मानव में मतलब श्वसन कैसे होता है, ह्यूमन में श्वसन कैसे होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे जीव भी हैं वो श्वसन कैसे करते हैं उनको भी तो देखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें, जो मछली होता है, मछली वो कैसे श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। वहां पे यहाँ पे देखते होंगे उसका गलफड़ होता है, वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है, अच्छा आप लोग टिड्डा देखे हैं, राम जी के सुगा आप लोग बोलते हैं टिड्डा उसको ग्रास ऊपर। ठीक है, और तेलचट्टा वो लोग देखिए नोकिया पर से न पतला पतला कुछ बाल टाइप का केस टाइप का लंबा होता है उसको उसको ट्रैकिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया एक द्वारा सांस लेता है, लेकिन कुछ जीव वैसे भी होते हैं, जो ना तो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं, ना गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, और ना फेफड़ा के द्वारा। हम लोग मानव किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़ा के द्वारा। लेते कैसे हैं? केंचुआ देखे हैं जिसको हिंदी में चेरा बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में चेरा, वो जानते हैं किससे सांस लेते हैं? वो अपने स्किन से, स्किन से सांस ले लेते हैं। और इस देखिए वो खाते क्या है? मिट्टी खाते हैं, फिर उत्सर्जित क्या करते हैं? मिट्टी ही। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। ये भी हम लोग को पढ़ना है। लेकिन आपको पता होगा कि मतलब जो केचुआ होगा स्किन से सांस लेगा, तेलचट्टा होगा ट्रैकिया सांस लेगा, और हम लोग फेफड़ा सांस लेंगे, मछली किससे सांस लेगी? गिल्स से सांस लेगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे बात। तो चलिए हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं, क्या पढ़ना है। और मुझे लगता है कि नहीं, मैं आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, इस चैप्टर को आप लोग इंजॉय करिए, और इसका मतलब नोट्स और पीडीएफ जितने भी होंगे आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में, और आपका होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, इस लेसन जितना पूछा गया इसका होमवर्क भी मिल जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।